हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि आपको 11 अप्रैल बोर्ड परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों मैं देखो इन क्वेश्चन को आपको नोट नहीं करना है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है। आपको वीडियो को 2-3 बार देख लेना है अच्छी तरीके से दोस्तों। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि मोहनजोदड़ो के आवासीय भवन के बारे में लिखिए दोस्तों। मोहनजोदड़ो के आवासीय भवन के बारे में लिखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा के अंदर आ सकता है कि मोहनजोदड़ो के आवासीय भवन के बारे में लिखिए। तो आपको लिखना है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो के निचले स्तर के आवासीय भवनों में की एक आंगन पर केंद्रित था। यानी जो मोहनजोदड़ो का जो आवासीय भवन है वो आंगन में केंद्रित था, ठीक है, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। देखो, मोहनजोदड़ो के यानी इसके भवन के चारों ओर जो है वो कमरे बने हुए थे आवासीय भवन के। संभवतः आंगन जो है वो गर्मी के मौसम में यानी खाना बनाने और खाना पकाने के काम में लिए जाते थे, ठीक है, कताई करने। तो यानी मोहनजोदड़ो के आवासीय भवन के बारे में लिखिए। तो आपको ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो के जो आवासीय भवन है इसके चारों ओर इस तरीके से क्या बने हुए थे, कमरे बने हुए थे, ठीक है, कमरे बने हुए थे जिसके चारों ओर क्या थे, आंगन थे, और आंगन जो है वो खाना बनाने और कताई करने जैसी गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। अब बड़े नंबरों के अंदर देखो एक क्वेश्चन आएगा कि मोहनजोदड़ो के आवासीय भवन के ऐसे तो आएगा एक गृह स्थापत्य कला कि मोहनजोदड़ो की जो बस्ती है वो कितने भागों में बटी हुई है, मोहनजोदड़ो की जो बस्ती है, या फिर ऐसा आएगा कि हड़प्पा सभ्यता की बस्ती कितने भागों में बटी हुई थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की बस्ती जो है वो दो भागों में बटी हुई थी, आपको मालूम होगा, दुर्ग और निचला शहर, दुर्ग और निचला शहर, इस प्रकार से निचला शहर। तो आपको समझना है सबसे पहले दुर्ग के बारे में आपको लिखना है कि दुर्ग जो है वो ऊंचे पर बने हुए थे। दुर्ग ऊंचे इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर बनी संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी, ठीक है। दुर्ग के बारे में, दुर्ग में जैसे मालगोदम आ गया था और विशाल स्नानागृह हैं, विशाल स्नानागृह के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले थे। तो कुल मिलाकर ये आपको इस तरीके से वर्णन करना होगा, बड़े बड़े क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि मनके का निर्माण कैसे किया जाता है। मनके का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों से किया जाता है, जैसे कार्नेलियन, ठीक है। मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों से किया जाता है, जैसे कार्नेलियन ये क्या होता है कि ये सुंदर लाल रंग का एक पत्थर होता है, ठीक है। इसके बाद में देखो जेस्पर, स्पेटिक, क्वार्टर, सेलखड़ी, ये नमक इस प्रकार से, और धातु में जैसे सोना, तांबा, कांसा आदि को मिलाकर जो है वो किसका निर्माण किया जाता है, मनकों का निर्माण किया जाता है। कुछ मनके जो है वो दो या दो से अधिक पत्थरों का आपस में यानी पत्थरों है, ठीक है, दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं। ये मनके जो है वो चक्राकार, देखो यहाँ पर चक्राकार लिखा है, ठीक है, चक्राकार और बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित आकार के होते हैं, ठीक है, और इन पर चित्राधिकारी करके इन पर सजाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मनकों का निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखो, मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों से किया जाता है, जैसे कार्नेलियन, ये सुंदर लाल रंग का पत्थर होता है, और ये कहाँ मिलता है कार्नेलियन, बताओ सब कमेंट बॉक्स में बताना कि कार्नेलियन का जो पत्थर है वो कहाँ मिलता है, ठीक है। और जेस्पर, स्पेटिक, क्वार्टर, सेलकड़ी, धातु में जैसे सोना, तांबा, कांसा, ये प्रमुख हैं। इस प्रकार मनकों का निर्माण किया जाता है। आपको प्रश्न ऐसे है कि मनकों का निर्माण कैसे किया जाता है, तो आपको लिखना है कि दो या दो से अधिक पत्रों को आपस में जोड़कर क्या है, मनकों का निर्माण किया जाता है। कुछ मनके जो है वो गोलाकार भी होते हैं, कुछ ढोलाकार भी होते हैं, कुछ खंडिताकार भी होते हैं, ठीक है, गोलाकार, खंडिताकार, इस प्रकार से होते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको लिखना है कि मन को पत्रों का क्या क्या प्रयोग किया जाता है इनके निर्माण में, जैसे कार्नेलियन, ये सुंदर लाल रंग का पत्थर होता है, और जेस्पर, स्पेटिक, क्वार्टर, सेलकड़ी, इन धातु में जैसे सोना, तांबा, कांसा, इनको आपस में मिलाकर जो है वो मनकों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अपना तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि हड़प्पा लिपि पर टिप्पणी लिखिए। एक तो पूछा जाता है हड़प्पा लिपि, एक पूछा जाता है हड़प्पा मूर। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार देखो पूछ लिया गया है कि हड़प्पा मूर और हड़प्पा लिपि में क्या क्या अंतर है। एक तो है हड़प्पा लिपि और एक है हड़प्पा मूर। हड़प्पा लिपि, देखो हड़प्पा लिपि एक ऐसी लिपि है जिसे रहस्यमय लिपि कहते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हड़प्पा मूर की, ठीक है, हड़प्पा मूर और हड़प्पा लिपि में क्या अंतर है, ऐसे भी आ सकता है। तो हड़प्पा मूर, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है, हड़प्पा मूर। और यह हड़प्पा मूर जो है वो सेलकड़ी नामक पत्थर से बने जाती है। हड़प्पा मूर किससे बने जाती है, सेलकड़ी नामक पत्थर से बने जाती है, और इसमें जानवरों के चित्र भी अंकित थे, ठीक है। और इसमें लिपि के यानी हड़प्पा मूर में किसकी जानकारी मिलती है, हड़प्पा मूर में वृषभ बेल की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, ये भी आ सकता है कि हड़प्पा मूर में किसकी जानकारी मिलती है, तो वृषभ यानी बेल की जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और हड़प्पा लिपि की बात करें तो हड़प्पा लिपि एक चित्रात्मक लिपि है,
कौन सी लिपि है? हड़प्पा लिपि एक चित्रात्मक लिपि है और इसमें जो है वो चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच होती है और इस लिपि ये जो लिपि है दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। ध्यान रखना हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इस लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ सका। तो सीधा सा आपको ध्यान रखना कि हड़प्पा लिपि पर टिप्पणी लिखी है। तो हड़प्पा लिपि क्या है? तो हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि है क्योंकि इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं सका। ठीक है, इसे चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं और इस लिपि में चिन्हों की जो संख्या है वो 375 से 400 के बीच होती है। ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इस तरीके से आपको थोड़े से ध्यान होने चाहिए। अब हम बात करते हैं अपन अगले चौथे क्वेश्चन की तरफ की किताब उलिद के बारे में। आप क्या जानते हो? ये मैंने बता दिया, फिर भी देखो नोट कर लेना, ठीक है ना? अभी मैंने करवाया था। तो किताब उलिंद में आपको सीधा से ध्यान रखना कि ये किताब जो है वो किसने लिखी थी? अल बिरूनी ने लिखी थी। ये किताब जो है वो अल बिरूनी ने लिखी थी, अरबी भाषा में लिखी गई थी और इस विस्तृत ग्रंथ में इस किताब की भाषा जो है वो बहुत सरल थी और इस विस्तृत ग्रंथ में धर्म है, दर्शन है, त्योहार है, खगोल विज्ञान है, रीति रिवाज है आदि के बारे में इनमें जानकारी थी और ये किताब जो है वो 80 अध्यायों में क्या थी? विभक्त थी। इस तरीके से किताब उलिंद बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, किताब उलिंद किसने लिखी थी? अल बिरूनी ने लिखी थी। और अल बिरूनी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था दोस्तों? अल बिरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में, और ख्वारिज्म जो है वो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है और अल बिरूनी ने अपने समय की सबसे बेहतर शिक्षा प्राप्त की थी। और ध्यान रखना कि किताब उलिंद अल बिरूनी ने लिखी थी। और अल बिरूनी दोस्तों, अल बिरूनी को जैसे प्रमुख भाषाएं आती थी, जैसे फारस है ठीक है, फारस भाषा है, संस्कृत भाषा है, इस प्रकार से ये भाषाएं आती थी इन्हें। एक भाषा नहीं आती थी, वो है यूनानी भाषा। यूनानी भाषा बहुत कम आती थी इन्हें, ठीक है? फारस इस प्रकार से ये भाषा आती थी लेकिन यूनानी भाषा नहीं आती थी। और बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी पर टिप्पणी लिखी। ये प्रश्न भी आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी में क्या है, तो पॉइंट बनाते हुए लिखना है कि हड़प्पा मोहर, मोहर लिख दिया मैंने, मोहर है, ठीक है। हड़प्पा मोहर में किसकी जानकारी मिलती है? वृषभ यानी बेल की जानकारी मिलती है। इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया कि हड़प्पा निवासी जो है वो खेत जोतने में बेल का प्रयोग करते थे। यानी कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि टेक्निकल में क्या क्या था हड़प्पा सभ्यता में, क्या क्या मिल रहे थे? तो वो लिखना कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने में जो किसका प्रयोग करते थे? बेल का प्रयोग करते थे। और लोग लकड़ी के हाथों से बनाए गए पत्थर के फलकों का जो प्रयोग है वो फसल को काटने के लिए प्रयोग में करते थे, ठीक है, फसल कटाई में करते थे। अफगानिस्तान में सोर्तुगे से नेहरू के कुछ सबूत मिले थे। नेहरू के सबूत जो है वो अफगानिस्तान के सोर्तुगे से मिले थे और धोलावीरा में जलाशय के प्रमाण मिले थे और जूते भी खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे। इस तरीके से आपको थोड़े याद होने चाहिए, ठीक है। चोलिस्तान पाकिस्तान बनावली हरियाणा से क्या मिला? मिट्टी के बने बैल के प्रतिरूप। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन छठा की तरफ कि अभिलेख इसे कहते हैं। अभिलेख तो पत्थर धातु और मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। दोस्तों अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? अभिलेख शास्त्र। प्रश्न आ सकता है कि अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? तो अभिलेख शास्त्र, अभिलेखों के अध्ययन करना अभिलेख शास्त्र कहलाता है, ठीक है। अभिलेख किसे कहते हैं? तो पत्थर धातु मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है और अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा दोस्तों? अभिलेख शास्त्र। ये आपको ध्यान रखना कि अभिलेखों का अध्ययन करना अभिलेख शास्त्र कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं वो है वी ए सुतांकर कौन थे। तो वी ए सुतांकर ये कौन थे दोस्तों? ये संस्कृत के विद्वान थे। कौन थे दोस्तों? संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई थी। महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण जो तैयार किया था वो किसने किया था? वी ए सुतांकर ने। किसने किया था? वी ए सुतांकर ने। और ये संस्कृत के विद्वान थे और इनके नेतृत्व में 1919 में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी भी उठाई थी, ठीक है। देश के अनेक विद्वान मिलकर, यानी देश के अनेक विद्वान मिलकर महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, वी ए सुतांकर कौन थे? तो ये संस्कृत के विद्वान थे। ऑप्शन में भी आ सकता है और बड़े नंबरों के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है। और महाभारत की मैं बात करता हूँ दोस्तों, महाभारत तो महाभारत में क्या है? महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जो है वो महाभारत के रचयिता हैं। और बहुत सारे दोस्त, मैंने जब महर्षि वेदव्यास बताया था तो बहुत सारे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि महाभारत के रचयिता तो भाई भाटसारथी थे। दोस्तों भाटसारथी थे, बिल्कुल सही, आपकी बात सही है। देखो महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन है? तो मूल कथा के रचयिता है भाटसारथी। लेकिन डायरेक्ट पूछ लीजिए कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो आपको ऑप्शन में करना है वेदव्यास जी, ठीक है, रामायण के वाल्मीकि है। तो महाभारत के मूल कथा के रचयिता जो है वो कौन है दोस्तों? मूल कथा के रचयिता है भाटसारथी, ठीक है, महाभारत। महाभारत में आपको ध्यान रखना कि महाभारत में 100,000 से अधिक श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 100,000 से अधिक श्लोक हैं। और महाभारत की रचना जो है वो 1000 ईस्वी पूर्व तक होती रही, लगभग 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और ये आपको थोड़े से कुछ ध्यान रखने होंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं अपना अगले क्वेश्चन है कि गोत्र के दो महत्वपूर्ण नियम बताओ। देखो गोत्र क्या है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि गोत्र क्या है, तो गोत्र क्या है? गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है, ठीक है। गोत्र क्या है? तो गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है, और ठीक है,
इसमें यानी लोगों को गोत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और प्रत्येक गोत्र जो है वो एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि मनुस्मृति का संकलन कब हुआ, तो मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मनुस्मृति का संकलन हुआ था। ठीक है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार थे, तो धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार बताए गए बताओ, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के 8 प्रकार बताए गए थे, जिसमें से कितने प्रकार के विवाह उत्तम माने जाते हैं, 4 प्रकार के विवाह उत्तम माने जाते हैं। तो विवाह गोत्र के दो महत्वपूर्ण नियम बताओ, तो गोत्र के महत्वपूर्ण दो नियम, विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के बाद गोत्र का नाम, यानी विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के गोत्र को बदलकर, यानी पिता के गोत्र को छोड़कर पति का गोत्र लगाना पड़ता था। ये पहला आप लिख सकते हैं गोत्र का महत्वपूर्ण नियम है। दूसरा है कि एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, समझ गए ना, तो ये गोत्र हो गया। एक प्रश्न पूछा जाता है, इसी के तहत मैं बात करता हूँ, स्त्री धन, स्त्री धन से आप क्या समझते हो, स्त्री धन, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आ सकता है कि स्त्री धन से क्या अभिप्राय है। स्त्री धन से अभिप्राय है दोस्तों, देखो जब स्त्री की शादी कर दी जाती है, ठीक है, स्त्री की कोई शादी कर दी जाती है, तो पिता के द्वारा जो उपहार दिए जाते हैं उस पर स्त्री का पूर्ण अधिकार होता है, तो इसे कहा जाता है स्त्री धन। समझ गए ना, समझ गए दोस्तों, एक पर यानी जब स्त्री की शादी कर जाती है, जैसे कोई पिताजी है, पिताजी की बेटी की शादी कर दी जाती है, तो पिताजी उसे कुछ उपहार देते हैं, ठीक है, उपहार देते हैं, तो उस उपहार पर यानी बेटी का पूरा अधिकार होता है, तो उसे बोलते हैं स्त्री धन। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है कि पितृवंशिकता से क्या आप समझते हैं, तो देखो दोस्तों पितृवंशिकता से मैं आपको बता देता हूँ कि पितृवंशिकता एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें समाज में यानी समाज में जो पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है, समाज में किसको अधिक महत्व दिया जाता है, पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है। जब पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है, जब पुरुष के अगर मृत्यु हो गई तो फिर पिता को अधिक महत्व दिया जाता है, अगर पिता की मृत्यु हो गई तो फिर यानी पिता के यानी पुत्र जो है वो पुत्र पर यानी पुत्र को यानी संपत्ति पर अधिकार हो जाएगा पुत्र की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, पितृवंशिकता से क्या समझते हैं, तो पितृवंशिकता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज में पुरुष को अधिक महत्व, पितृवंशिकता से क्या समझते हैं, तो पितृवंशिकता एक सामाजिक व्यवस्था जिसमें समाज में पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये प्रमुख थे, कुल मिलाकर हमारे कितने क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन हो गए हैं। अब वीडियो आपको कैसा लगा सब एक मिनट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।